सूरत शहर एसओजी अने पीसीबीए रामपुरा लाल मिया मस्जिद सामे मदरेसा इस्लामिया सूफीबाग पासेथी रूपिया 1 करोड़ जे एमडी ड्रग्स झड़पी पाड्यू हतुं ते उच्च क्वालिटीनुं हतुं। अखाड़ा मोहल्लाना सहबाज खान अने ड्रग डीलर कासिद शेख वच्चे एमडी ड्रग्सनी डील थई हती। त्यारे ज पोलीसे जोई बन्ने ड्रग भरेली बेग फेंकी अने पोताना वाहनो मूकी भागी गया हता। पोलीसे तेमनो पीछो कर्यो हतो पण स्थानिक होई भागवामां सफल रह्या हता। पोलीसे ड्रग्स 3 मोबाइल फोन बाइक मोपेड अने प्रेसनुं कार मळी कुल रूपिया 1 करोड़ 2 लाखनो मुद्दामाल कब्जे करी बन्नेने झड़पी पाडवा क्वायत शरू करी छे। एसओजीना सूत्रो द्वारा प्राप्त थती माहिती मुजब एएसआई इम्तियाज फकरू मोहम्मद अने हेड कोन्स्टेबल जगसीभाई शांतिभाईने मळेली बातमीना आधारे सूरत शहर पीसीबी ने एसओजीए गत बपोरे रामपुरा लालमिया मस्जिद सामे मदरेसा इस्लामिया सूफीबाग पासे वोज गोठवी हती। बातमी मुजब अखाड़ा मोहल्ला तरफथी बाइक उपर आवेला सहबाज इरशाद हुसैन खाने बर्ग मेन मोपेड उपर खभे लैपटॉप बेग लई आवेला मोहम्मद कासिफ इकबाल उर्फे पशीना शेख साथे वात करी तेनी पासेथी बेग लीधी। તે સમયે તેમની નજર ત્યાં વોચમાં રહેલી પોલીસ ઉપર પડી હતી। પોલીસને જોઈ સહેબાઝે લેપટોપ બેગ ફેંકી દીધી હતી અને બંને પોતાના વાહનો ત્યાં જ રહેવા દઈ અખાડા મોહલ્લાની ગલીઓમાં ભાગ્યા હતા। આથી પોલીસે તેમનો પીછો કર્યો હતો પણ બંને સ્થાનિકોએ ભાગવામાં સફળ રહ્યા હતા। પોલીસે સહેબાઝે ફેંકેલી લેપટોપ બેગ ખોલી જોતા તેમાંથી 1 કિલોગ્રામ ઉચ્ચ ક્વોલિટીનું એમડી ડ્રગ્સ મળી આવ્યું હતું। પોલીસે કાસિફની બર્ગ મેન મોપેડની ડિક્કીની ઝડપી લેતા તેમાંથી તેના 3 મોબાઇલ ફોન મળ્યા હતા। પોલીસે સહેબાઝના બાઇકની ઝડપી લેતા તેના ટૂલબોક્સમાંથી તેના ફોટા સાથેનો નેશનલ એન્ટી ક્રાઇમ એન્ડ હ્યુમન રાઇટ કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાના સંસ્થાએ ઇસ્યુ કરેલો પ્રેસનો કાર્ડ મળ્યો હતો। પોલીસે ડ્રગ્સ 3 મોબાઇલ ફોન બાઇક મોપેડ અને પ્રેસનું કાર મળી કુલ રૂપિયા 1 કરોડ 2 લાખ 30 હજારનો મુદ્દા માલ કબજે કરી આ અંગે લાલગેટ પોલીસ મથકમાં ગુનો નોંધાવ્યો હતો। હાલ એસઓજી અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચે બંનેને ઝડપી પાડવા ક્વાયત હાથ ધરી હોવાનું સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર રાઘવેન્દ્ર વત્સે જણાવ્યું હતું। કલ 29 એપ્રિલ સુરત શહેર સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ કો એક સૂચના મિલી। सूचना के मुताबिक उन्होंने ऑपरेशन प्लान किया और 2 बाइक सवारों के बाइक से 1 करोड़ एमडी ड्रग्स जो कि जिसका वेट करीब 1 किलो है जब्त की। दोनों बाइक सवार भागने में सफल रहे लेकिन उनके नाम हम लोग को पता है और एसओजी की टीम और सूरत शहर क्राइम ब्रांच की टीम लोकल थाने के साथ मिलकर उनको ढूंढने में लगी है और उनको जल्दी ही ढूंढ लिया जाएगा। ये ड्रग्स कहाँ से लाए थे ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी इसके बारे में जैसे आगे कुछ पता चलेगा हम आपको बता। ठीक है, ड्रग्स की कीमत 1 करोड़ थी और उसका वेट 1 किलो। तो कहाँ देने जा रहे थे ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो जैसे पता लगेगा आपको बताया जाएगा। वो तो जो भी उनके पास से मिला है, उनके पास से मोबाइल भी मिला है, उनकी 2 बाइक्स मिली हैं, एक रेगुलर बाइक है, एक एक्टिवा जैसी बाइक है। तो ये सब कैसे खरीदी गई, उसका पैसा कहाँ से आता था और वो कार्ड उसका सोर्स क्या है, उसका क्या उपयोग होता था, ये सब इन्वेस्टिगेशन में आगे आएगा और आपको बताया जाएगा बाद में। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं मिली है। उनका नाम है मोहम्मद कासिफ और शहबाज। अभी थोड़ा जल्दी रहेगा इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से कुछ बताना कि क्या कनेक्शन है और प्रीमेच्योर रहेगा थोड़ा बताना। सब देखिए इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इसमें हम ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं दे पाएंगे। अभी कल का ही गुनाह है तो अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, हमारा पूरा फोकस है उनको पकड़ने में। सर सूरत के हैं या सूरत के बाहर से आए हैं? सूरत के हैं, उनकी बाइक्स भी सूरत की हैं। ठीक है, रणनीति पूरे सरकार की और राज्य लेवल पर देश लेवल पर यही है कि राज्य देश और समाज ड्रग्स फ्री होना चाहिए। तो उसमें हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे और आप देख ही रहे हैं बड़े बड़े ड्रग्स सीजर पूरे गुजरात में इंडिया में भी हो रहे हैं, तो वही रणनीति हमारी भी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट LK स्टार न्यूज सूरत।